अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मोहरिया तस्कर ना ही करेगी अम्मा। जब हम दोनों के बीच में रिश्ता ही नहीं है तो रिश्ता है, पत्नी का रिश्ता है। और जब तक ही जिंदा है तब तक ही रिश्ता भी जिंदा रहेगा। अम्मा आप फजूल में इस बात को तूल दे रही हैं। हम जो भी कर रहे हैं दोनों परिवार की सुख शांति के कर रहे हैं। फैसला लेने के लिए अभी हम जिंदा हैं। और यहाँ आने का भी फैसला हमारा था। अगर तुमने मुंगेर वाला घर नहीं बेचा होता तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। अरे अपने लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा ना, मजबूरन हम यहाँ आए हैं और अब हम सब यही रहेंगे। तुम्हारी ललिता ने बड़ा फरमान सुनाया था ना कि इसके कमरे में कोई नहीं जाएगा, तो ठीक है हमारे पास भी एक उपाय है। हमें ई घर को दो हिस्से में बांट देना चाहिए। ललिता रहेगी और दूसरे हिस्से में रंजू। अम्मा जी आप इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकती है? रोज रोज के खिचखिच बिच बिच से बचने का एकमात्र यही उपाय है, गुडुआ के घर में दोनों बीवियों को बराबर हक मिले। चलो बाबू, मैंने आपसे कहा था ना कि अम्मा जी सिर्फ इन लोगों के बारे में सोचेगी, हमारे बारे में कभी नहीं सोचेगी। मिल गई कलेजे को ठंडक। अभी घर का आधा हिस्सा लिया तुमने, अब प्रॉपर्टी भी लोगी। अम्मा का इस्तेमाल करके अपना हक लेने आई हो तो अब तो घर का बंटवारा होके रहेगा। बाबू हम आपके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। अगर आपकी मुस्कुराहट की कीमत इस घर का बंटवारा है तो वो होके रहेगा। सोना बाबू, घर के बीचों बीच एक लकीर खींची जाएगी। लकीर की उस तरफ तुम और तुम्हारी बेटियां रहेंगी। ना तुम और तुम्हारी बेटियां हमारी तरफ आएंगे, ना हम उस तरफ। अरे ये बहुरिया को क्या सुना रहा है? जो कहना हमें कहो। ये घर का बंटवारा तब तक रहेगा जब तक हम अम्मा के लिए दूसरा घर नहीं दिलवा देते। तुमने घर में तो अपने लिए जगह बना ली है, दिल में कभी नहीं बना सकती तुम। सुना बाबू, आपने क्या कर दिया? यही तो चाहती थी ये लालची औरत। आप भी ना, अगर हम आपके भरोसे रहे तो हो चुका। अब हमें इन लोगों को घर से निकालने के लिए
कुछ और तिकड़म करना होगा। कितने अरमानों के साथ ये घर बनाया था, कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर का बंटवारा भी होगा। आज वो दिन भी देख लिया। अरे ललिता जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे शोना बाबू, ये घर घर नहीं, हमारा दिल है। और आज उस रंजो ने हमारे दिल पर लकीर खिंचवा दी, वो भी हमारे शोना बाबू के हाथ से। उसने सोचा भी नहीं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा जी को सामने करके बस अपना खेल खेल गई। टिया मुस्कान, सेंटर जाके नजमा मासी का थोड़ा मदद कर दो, हम भी आते हैं। अम्मा जी, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, लेकिन अम्मा जी, घर का बंटवारा करना सही बात नहीं है। हमें इस घर का कोनो हिस्सा, कोनो अधिकार कुछ नहीं चाहिए अम्मा जी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत थी तभी किया है। और बहुरिया, ये मत भूलो, ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारे हक के लिए कर रहे हैं। अरे तुम्हारी चार चार बेटियां हैं, उनके हक के लिए भी कर रहे हैं। एक दिन बाहर रात गुजारने का अंजाम देख चुकी हो, और अब हम अपने जीते जी वो रात दोबारा देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने जो कुछ किया है वही सही। डैड, आपको इस तरह घर का बंटवारा करने की क्या जरूरत है? इट्स नॉट डन डैड। डैड, अब वक्त आ गया दादी को छोड़ के सबको घर से निकालने का। हम तुम दोनों की परेशानी समझते हैं, तुम चिंता मत करो, जल्द से जल्द इसका समाधान निकाल देंगे। हम चाहते कि तुम दोनों अपना एनर्जी इसमें वेस्ट मत करो, राइट? लकी विकी, तुम दोनों अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करते हो इसलिए परेशान हो, बट डोंट वरी बेटा, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। डैड की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने दो। ओके मॉम। सुनो बाबू, हम जानते हैं कि आप जल्द से जल्द इन सब को हमारे घर से और आपके दिल से निकाल दोगे, पर इस सब में जितनी देर होगी उतना ही बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। हम समझ रहे हैं ललिता जी, हम सब समझ रहे हैं, नब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शोना बाबू, आप ठीक करें या ना करें, पर हम जरूर ठीक करेंगे, वो भी अपने तरीके से। शक्ति, सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गई। देर तो हो गई, और वो भी पूरे 7 मिनट। मैनेजर निकल गया, हमको ओवरड्राफ्ट लेना। अब पैसा कहां से आएगा शालू जी? और अगर मजदूरों को पैसा आज नहीं मिला तो वो काम रोक देंगे। I'm so sorry सर, वो एक्चुअली हम पेट्रोल लेने लग गए, और पर मैनेजर आज इतनी जल्दी कैसे चला गया? अब क्या होगा?
चल चालू जी, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कैसा लगा? पर सर ये कैसा मजाक था, हमें तो मजदूरों की टेंशन होने लग गई थी। मेहनत मजदूरी से कमाए पैसों की अहमियत जानते हैं हम। आई एम सॉरी। वैसे हमने पैसे विड्रॉ कर लिए और अब टाइम है समोसा जलेबी खाने का, और सामने यहाँ की सबसे फेमस दुकान है। तो आज मौका भी है और दस्तूर भी। आप सही कह रहे हैं, पर हमें ऑफिस जाना है, हमें एक जरूरी काम है। अरे शालू जी, आप समोसा जलेबी को मना कर रही हो? ये तो हम दोनों की फेवरेट है ना। शायद आपका ज्यादा फेवरेट है। एक काम करते हैं, पैक करा लेते। ये भी ठीक है, चलिए। कहीं हमने मजाक मजाक में शालू जी का दिल तो नहीं दुखा दिया? अरे भैया देख के चलो। अरे तुम देखो बाजार में कैसे गाड़ी चलाते हैं। चल। हाँ भुवन, अगली मीटिंग कितने बजे है? भैया जी वो जिला परिषद में 4 बजे मीटिंग है, और उसके बाद फिर ऑफिस में ठेकेदार लोग आने वाले हैं। चलो। क्या बात है शालू जी, आप फिर टेंशन में लग रही हैं। आप कौन सी बात परेशान कर रही है? कोई बात परेशान नहीं कर रही है सर, बस ऐसे। पक्का ना? जी। अब ठीक है, हम समोसा जलेबी लेके आते हैं। अब इन्हें कैसे बताएं? जिस दिन से इनका रिश्ता घर आया है, उस दिन से मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है, और उसके बाद से हर दिन चीजें सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। अरे भुवन, जो काम के बारे में कहा था उसका क्या हुआ? भैया वो मुंगेर वाला घर हमें दोबारा नहीं मिल पाएगा। काहे? भैया जी जिसे आपने मकान बेचा था उसने तो उस घर को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। अरे तो फिर किसी और से बात करो, हमें जल्द से जल्द अम्मा जी के घर खरीदना है। चेक लो, जैसे ही कोई अच्छा घर मिल जाता है पेमेंट कर दो, हम घर में रोज रोज चिक चिक नहीं झेल सकते। ठीक है। ब्रो मुझे मॉम का उतरा हुआ चेहरा है ना देखना अच्छा नहीं लगता, और वो रंजू मॉम के हर नेले पे देला मारती है, और हम चाकर भी ना मॉम की हेल्प नहीं कर पाते हैं। ब्रो हम हेल्प नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते। तो फिर तू करना क्या चाहता है? उस रंजू को बहुत घमंड है ना अपनी शालू और बुलबुलिया पर, अब हम उसका घमंड चूर चूर कर देंगे। वेरी स्मार्ट। जैसी स्मार्ट नानी वैसा स्मार्ट नाती। वैसे ना रंजू को डाउन करने के वास्ते ना एक जबरदस्त प्लान है। क्या प्लान? हमें भी बताइए। वाह नानी, क्या ग्रेट आइडिया है। अब कल का दिन उनके लिए है ना, नई मुसीबत ले आएगी। हमें ई घर को दो हिस्से में बांट देना चाहिए। एक घर में ई ललिता रहेगी और दूसरे हिस्से में ई रज्जू। गुडुआ के घर में दोनों बीवियों को बराबर हक मिले।
शालू जी आपने वो मजदूरों की पेमेंट कर दी थी। शालू जी। हाँ सर, सॉरी, कहिए। आप फिर परेशान? नहीं, परेशान नहीं है, हम क्यों परेशान होंगे? आप दुखी हैं और हमसे शेयर भी नहीं करना चाहते। लगता है हमारा दिया हुआ उपदेश आप भूल गई। क्या कहा था हमने कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाते हैं। चलिए बताइए क्या दुख है। वेट 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 वेट, लेट मी गेस, रंजू आंटी के सिलाई सेंटर की बिजली वापस आ गई? हाँ, सिलाई सेंटर में तो रोशनी आ गई, लेकिन हमारी माँ की जिंदगी में छाया हुआ अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। शालू जी, क्या हुआ है बताएंगे? गुड्डू मिश्रा जी हमारी माँ को डिवोर्स देना चाहते हैं, और इस वजह से हमारे घर का माहौल बहुत खराब है आज। शालू जी, इस बात पे हम क्या कहें हमें मैं नहीं पता, क्योंकि आपकी और हमारी पहले बात हो चुकी है कि पिछली बातों पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल है हमारे मन में और अक्सर आता रहता है, आप लोग ललिता निवास में गए ही क्यों? हमारे कहने का मतलब है आप अपना पुराना घर छोड़ के कहीं और भी तो जा सकते थे। शायद जा सकते थे, लेकिन उस वक्त हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, हमें लगा कि उन सब के पीछे ललिता जी और लकी विकी का हाथ है, और फिर बाद में सारे इल्जाम आप पर। हम पर? हम पर क्या? चालू जी, हम आपसे पहले कह चुके हैं कि उस दिन जो इल्जाम बुलबुलिया ने हम पे लगाए थे उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और ये आपका मन भी जानता है। पता नहीं, सच कहें तो हमारे पास खुद इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमारे साथ हुई साजिश के पीछे किसका हाथ था। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको डॉक्टर ने मना किया था ना ड्रिंक नहीं करना, फिर क्यों पी रहे? ललिता जी, ये तो आपका वाइन है ना। नहीं, कोई भी नहीं पिएगा। हम जानते हैं सोना बाबू, आप बहुत परेशान हो, लेकिन ये परेशानी से आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए हमने आपकी परेशानी दूर करने के लिए एक फैसला लिया है। फैसला? कैसा फैसला? आज हमने अपने लॉयर को बुलाया था। लॉयर? तो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के। ललिता जी, हमारे फ्यूचर को कौन सा खतरा आ गया? सोना बाबू, आपने 14 साल मेहनत करके ये एम्पायर खड़ा किया है, और उस रंजू ने 14 दिन में इस घर में लकीर खींचकर इस घर का बंटवारा कर दिया। और अम्मा जी का इस्तेमाल करके उसने डिवोर्स पेपर भी हवा में उड़ा दिए। इसका मतलब आज भी वो आपकी कानूनी पत्नी है। घर के बंटवारे तक की बात ठीक थी, लेकिन आगे चल के उसने प्रॉपर्टी और बिजनेस में अपना हिस्सा मांग लिया, तो इसलिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को जानने से पहले आप ये बताइए, आपको आपकी ललिता पर कितना भरोसा है? अपनी जान से भी ज्यादा। तो बस आप वो कीजिए जो हम कह रहे। क्या करना होगा? आपके सिग्नेचर्स चाहिए इन पेपर्स पर।
लेकिन कैसे पेपर्स हैं? शोना बाबू, ये लीगल पेपर्स हैं। इसमें लिखा है कि आप सारी प्रॉपर्टी और अपना सारा बिजनेस हमारे नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं।